असलम दोस्तों, क्या चाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। ये वीडियो जो है संडे का सेकंड पार्ट है, और इस पार्ट में सबसे पहले जो दो गाड़ियाँ ऐड करने वालों, ये मुझे दोस्त ने सेंड करी है कि यार ये गाड़ियाँ मुझे सेल करनी है, तो आप अपनी वीडियो में ऐड लगा दें। तो दो गाड़ियाँ हैं जिसमें से एक मेहरान है, एक दायसु कोरे है 2008 का मॉडल, मेहरान 2002 का मॉडल है। प्राइस पूरी डिटेल के साथ आप लोग वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई गाड़ी, अगर आप भी अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं, आप अपनी गाड़ी की पूरी डिटेल वगैरह मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एक और गुजारिश आप लोगों से, अगर मेरी वीडियो आप लोग 15 दिन या एक हफ्ते के बाद देखते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में जो दिए गए नंबर हैं गाड़ी मालिकान के, उनको कॉल ना करें, क्योंकि गाड़ियाँ सेल भी हो जाती हैं। बस ये गुजारिश है, आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लें, क्योंकि लोग तीन तीन महीने चार चार महीने बाद भी कॉल कर रहे होंगे, तो आप लोग खुद समझदार हैं गाड़ियाँ सेल भी हो जाती हैं। तो इस संडे का जो सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, सबसे पहले उस भाई की दो गाड़ियाँ आप लोगों को मिलेगी, उसके बाद संडे बाजार की जो दूसरी गाड़ियाँ मैंने कवर करी वो आप लोगों को मिलेगी। कोशिश की है थोड़ा मुनासिब प्राइस की गाड़ियाँ कवर करूँ, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है संडे बाज़ार अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि गाड़ियों की प्राइस आजकल क्या चल रही है। और थोड़ा हम लोगों को कवर करने में भी मसला होता है, वो वजह ये है कि हमारी वीडियो के थ्रू एक एक महीने के बाद भी लोगों को कॉल आ रही होती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर आप लोग एक हफ्ते के बाद आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ गाड़ी मालिकान को कॉल ना करें, क्योंकि गाड़ियाँ वो सेल भी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के निशान को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए, तो मेरा एक और चैनल है शाइनी 2.0 के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी मैं गाड़ी की वीडियो अपलोड करता हूँ, और प्राइस अपडेट जो मार्केट की होती है, कबाड़ बाजार वगैरह, उसको भी मैं कवर करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे के निशान को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज माइक नहीं है, इस वजह से उधर पर शोर भी आप लोगों को आ रहा होगा। चलेंगे, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट आपको गाड़ियाँ मिलेगी, उसके बाद आप लोगों संडे बाजार की रिव्यू मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले हमारे पास जो गाड़ी है सुजुकी मेहरान है, मॉडल इसका 2002 का है। बाहर की कंडीशन की बात करें तो बाहर से गाड़ी आप लोगों को शावर मिलेगी, बाकी इंजन रूम और अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। टायरों की कंडीशन की बात करें तो तकरीबन के आप लोगों को 90% गुड मिलेंगे, चारों टायर न्यू इंस्टॉल है, पेपर वगैरह सब इस गाड़ी के कंप्लीट हैं, CPLC वगैरह ओके हैं, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है इस गाड़ी की। अगर आप लोगों को ये गाड़ी परचेज करनी है तो ऑनर का नंबर आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगा। इस गाड़ी के बारे में मज़ीद आप लोगों को मालूम चाहिए तो कोई आप लोग ऑनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो 3,20,000 रुपये ऑनर डिमांड कर रहे हैं, और दोनों नंबर भाई के मैंने ऐड कर दिए हैं। आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी हमारे पास आया सुकोरे और मॉडल 2008 का है। गाड़ी कंडीशन की बात करें तो बाहर से टोटल गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। बाकी टायरों की बात करें तो अलायरन लगे हुए हैं, और टायर भी तकरीबन 70-80% गुड है, और मॉडल 2008 का ही है। बाहर से कोई बनी भी नहीं है, कोई टचअप नहीं है, सिर्फ हल्के फुल्के डेंट हैं, बाकी इस पर रिपेयर वगैरह कोई नहीं करवाया हुआ। पेपर्स की बात करें तो गाड़ी के पेपर्स आने कंप्लीट है, CPLC क्लियर है, टैक्स वगैरह पेड है, और गाड़ी की पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। लेडीज़ के नाम पे गाड़ी है, फर्स्ट ओनर में है, और इंजन रूम से गाड़ी है कुछ इस तरह से, 2008 का मॉडल दायसु कोरे, और दायसु कोरे की जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने ऐड कर दिया। अगर आप लोग गाड़ी ये चाहिए तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। टायरों से भी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी, और बाहर से दरवाज़ों की तरफ कंडीशन से भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी है। बाकी आप लोग डिमांड जो ऑनर कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ऑनर के नंबर भी मौजूद होंगे। अगर आप लोग गाड़ी ये चाहिए तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। 6 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, 2008 का मॉडल है, नंबर बाइक के दोनों ऐड हैं। लेकिन आप लोगों ने ये गाड़ी 15 दिन के अंदर परचेज करनी है, उसके बाद अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इस गाड़ी मालिक को आप लोग कॉल ना करें, क्योंकि गाड़ी सेल भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, किया क्लासिक और 2001 का मॉडल है। बाहर से गाड़ी आप लोगों को टचअप में मिलेगी, बाकी अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन कंडीशन में है। किया क्लासिक की रिक्वेस्ट तो आई थी, लेकिन बहुत कम गाड़ियां यहां बाज़ार में आती हैं, आप पता नहीं क्यों शॉर्ट आइटम है, और चंद ही एक पीस आप लोग पूरी मार्केट में देखने को मिलेंगे। बाकी टायरों की कंडीशन की बात करें तो 30% तक या 40% तक गुड कह सकते हैं फ्रंट वाले, लेकिन जो बैक वाले टायर है तकरीबन 50-60% तक गुड है। वाइट कलर में किया क्लासिक 2001 का मॉडल है, और ये भी अच्छी है। पेट्रोल की एवरेज वाइज की हम लोग बात मेहरान या कल्टस एल्टो की बात करें तो इनके बराबर की इसकी एवरेज होती है। बाकी इसके अंदर की बात करें तो अंदर देख सकते हैं आप लोग रेड कलर में मेंटेन किया हुआ है, और सीट कवर भी बड़े बेहतरीन इस गाड़ी में इंस्टॉल करवाए हैं, और अंदर डैशबोर्ड की कंडीशन की बात करें तो LCD वगैरह भी इंस्टॉल है इसके अंदर जी। तो इसके बाद फिर मैं रूम शेयर करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सरप्राइज़ वगैरह क्या है फिर वो भी शेयर कर देता हूँ।
जी तो रूम से कुछ इस तरह से। इंजन कितने सीसी होता है सर इसके अंदर? 13 सीसी में होता है। ठीक है सर, ठीक। सेंट्रल गाड़ी नहीं है बिल्कुल, साफ सुथरी और टिकली सेट देते हैं आप लोग गाड़ी की। ठीक है सर, बंद कर दें। बाकी आप लोग मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर प्राइस वगैरह क्या है ऑनर से मिलके वो भी शेयर करवा देते हैं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन कलर में डैशबोर्ड, माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में जी। और प्राइस में भी मतलब कि ये सही होती हैं, मतलब कि बंदा ख़रीद सकता है जो एल्टो मेरान लेना चाहता है तो इस गाड़ी को भी परचेज़ कर सकता है उसी प्राइस में। क्या क्लासिक 2000 ये का मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? सर 370। 370 इसमें गुंजाइश है या फाइनल है ये? सर इसमें गुंजाइश है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है। टैक्स वगैरह क्लियर है इसका? टैक्स वगैरह कुछ इसका, बाकी इसका सीएनजी पेट्रोल पे जी दोनों। अच्छा, इसका एसी वगैरह? एसी ऑन है। ठीक है, ठीक है सर। नंबर शेयर करते हैं अपना, 0308 3497 2266। ठीक है, क्या नाम है आपका सर? बिलावल। लोकेशन कहाँ की सर? ये छः नंबर चेक पोस्ट। छः नंबर ये मलिर की तरफ है जी? ठीक है सर, 6 नंबर चेक पोस्ट की तरफ लोकेशन है भाई की, और की क्लासिक है। ठीक है सर, 2000 ये का मॉडल है जी। इंजन अपना इस गाड़ी का? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, 2000 ये 16 का मॉडल है और मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी, और गाड़ी की जो छत डिगी बोनेट है वो आप लोगों को जेन्युइन मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा साइडों में गाड़ी आप लोगों को ये शावर कंडीशन में देखने को मिल जाएगी, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। बाकी टायरों की बात करें, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इसके अंदर इंस्टॉल हैं, तकरीबन के कह सकते हैं कि 70% तक टायरों की कंडीशन भी गुड है। तो बैक साइड से गाड़ी ये कुछ इस तरह से है, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे यार GLI XLI ऐड करें, तो GLI मैं ऐड कर रहा हूँ, XLI मैंने पहले ऐड करी थी लेकिन वो 2012 का मॉडल था। चलें जी, तो बढ़ते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर की क्या कंडीशन है। ये तो अंदर से गाड़ी ये कुछ इस तरह से है, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल कराए हुए हैं बिल्कुल साफ सुथरी। अच्छा जी, और रूम वगैरह चेक करा दूँ उसके बाद प्राइस वगैरह क्या है फिर वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये तो 1.3 के इंजन में है, मैनुअल ट्रांसमिशन, GLI 2000 ये 16 का मॉडल है। इंजन अपना है? ठीक, आपकी गाड़ी उस भाई की गाड़ी एक ही बात है? अच्छा ठीक है, ठीक है सर। आप डिटेल दे देंगे? डिटेल आप दे देंगे, वो भाई दे देंगे? ठीक है, ठीक है। चलें जी, तो इंजन इस गाड़ी का अपना है, 2016 का मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में, GLI गाड़ी छत दिगी बोनट से गाड़ी ये जेन्युइन है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इसकी? 24 लाख रुपए। इसमें कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल प्राइस है इसकी? ठीक है, मतलब कि ऑफर चल सकती है आपके। टैक्स वगैरह क्लियर है इस गाड़ी का? नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है? अच्छा जी, इशू नहीं हुई अभी तक नंबर प्लेट? ठीक है सर जी, नंबर शेयर कर दीजिए। मार्च में इशू होंगी? ठीक है, बाकी नंबर शेयर कर दीजिएगा, जिसको लेनी होगी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, आप डिटेल अपने हिसाब से। 0314 2719 2719 828 828। क्या नाम है आपका सर? शहमीर। शहमीर भाई, ठीक है। लोकेशन कहाँ की है भाई? कहाँ की? हैदराबाद की। ये गाड़ी हैदराबाद जाएगी बाद में, ये सितवार बाज़ार के बाद, क्योंकि हैदराबाद से भी हमारे व्यूवर्स देख रहे होते हैं ना, तो उस हिसाब से। ठीक है सर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, सितवार बाज़ार के बाद डायरेक्ट हैदराबाद जाएगी। अगर आप लोग हैदराबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये गाड़ी आप लोगों को हैदराबाद में मिल सकती है। सेकंड ओनर में गाड़ी है? ठीक है सर, ये सेकंड ओनर में गाड़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हैदराबाद की इस गाड़ी की लोकेशन है, अगर आप लोग गाड़ी ये लेनी है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, हैदराबाद में आप लोग गाड़ी ये मिल सकती है। बाकी इसके अलावा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे कौन कौन सी गाड़ी है। ये तो 2008 का मॉडल है, सुजुकी एल्टो VXR, और बाहर से जो गाड़ी की कंडीशन है पूरी शावर्ड है, अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। शावर्ड ऐसा कि बिल्कुल न्यूली करवाया हुआ है, कोई स्क्रेचेस नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कहीं से कोई मतलब कि रफ़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रही है, बिल्कुल आप लोगों को रियल में भी गाड़ी सेम इसी तरह मिलेगी। 2000 ये 8 का मॉडल है। बाकी टायरों की कंडीशन की बात करें, तकरीबन के 70 से 50% 60% तक गुड कह सकते हैं। बाकी नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर लगे हुए इस गाड़ी में,
और ये साइड आप लोग नीचे से भी देखते हैं, फुटबेरी वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में इस गाड़ी की। 2008 का मॉडल, जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे 2008-2007 की L2 ऐड कर रहे हैं तो मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोग गाड़ी समझ में आती तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं जी। डिटेल के साथ आप लोग के साथ नंबर जो है ओनर का शेयर करवा दूँगा, और प्राइस अगर आप लोग समझ में आती तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके भाई से परचेज भी कर सकते हैं। ये तो छत से गाड़ी कुछ इस तरह से, बाकी अंदर से मैं आप लोग पूरी गाड़ी ये विज़िट करवा देता हूँ जी। तो अंदर से गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। सीटों पे जो है लेदर कवर इंस्टॉल करवाए हुए हैं भाई ने, और अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह से है। अंदर से टोटल गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। अच्छा जी, बाकी डिग्गी वाली साइड है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाइक खोल लें। अच्छा जी, तो ये कुछ लोग बोलते हैं मीटर साइड दिखा दिया करो, ये मीटर साइड इस गाड़ी की, ये इसकी गियर साइड है, और गाड़ी नो डाउट अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में मिल रही है। ठीक है, तो डिग्गी खोल दें ज़रा। अच्छा जी, तो डिग्गी से मैं आप लोगों को विज़िट करा देता हूँ। अच्छा जी, थ्रू आउट पेट्रोल पे है, CNG वगैरह इस गाड़ी में इंस्टॉल नहीं है फिलहाल, और टैप सिस्टम लगा हुआ नॉर्मल, और डिग्गी की सीलें वगैरह दे सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है। ठीक है, तो नॉर्मल जो स्टेपनी टायर होता है वो भी अंदर रखा हुआ है इसमें, बाकी पाना जेक वगैरह तो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जो शॉपर में ऊपर रखा हुआ है जी, जी भी हम लोगों ने शेयर कर दिया, बाकी इंजन रूम आप लोगों के साथ शेयर करवा देते हैं, उसके बाद फिर प्राइस वगैरह क्या है ऑनर के साथ मिलके वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। जी तो रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से है, 2008 का मॉडल, और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर? 6,60,000 पे इसमें गुंजाइश हो जाएगी, ये फाइनल प्राइस आपकी है? यार गुंजाइश होगी भैया। अच्छा, मतलब ऑफर चल सकती है? जी ऑफर चल। ठीक है सर, तो पेपर वगैरह सब कंप्लीट है? हर चीज़ से क्लियर है। CPLC वगैरह? CPLC पेपर, सेकंड ओनर गाड़ी है, बाहर से शावर है, अंदर से पूरी ओरिजिनल है, गारंटेड है। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी? हर चीज़। AC वगैरह? चिल्ड है। कोई काम वगैरह रुकावट तो नहीं? जस्ट बाय एंड ड्राइव वाली गाड़ी। ठीक है सर जी, नंबर शेयर कर दीजिए अपना। 0320-0320-311-89-89-19-19। क्या नाम? बिलाल भाई। लोकेशन कहाँ की बिलाल भाई? तारिक रोड नूरानी कबाब हाउस। ठीक है, तारिक रोड नूरानी कबाब हाउस की लोकेशन है। ठीक है, ये तो 6 का मॉडल था, 11,50 मांग रहे थे, लेकिन कुछ लोग मना करते हैं वीडियोज़ इस वजह से हम लोग नहीं बनाते। हुंडा सिविक थी जी, बाकी इसके अलावा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं, आगे भी हमें कोई गाड़ी नज़र आ जाती है तो उसकी वीडियो हम लोग बना देंगे, और कोशिश करेंगे कोई अच्छी गाड़ी नज़र आ जाए आप लोगों के लिए वो ऐड करें। अच्छा जी, तो मज़दा की एक गाड़ी है, 2014-2017 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं जापानीज़ गाड़ी ऐड करें तो जापानीज़ गाड़ी ऐड कर दी है। बाहर से थोड़ी बहुत मतलब कि आपको टचअप मिल जाएगी 2-3 पीस, जब आप लोग लेने आए तो गाड़ी को सही तरह से चेक कर लीजिएगा। मज़दा की गाड़ी है ये, फिलर के नाम से है जी, बिल्कुल वेगनर टाइप की गाड़ी है, लेकिन है मज़दा की और जेपनीज़ है, और गाड़ी जो बाहर से कोई काम रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी टायरों की कंडीशन की बात करें तो तकरीबन हमें 50-60% तक गुड देखने को मिल जाते हैं, बाकी ये पावर स्टेयरिंग पावर विंडो वाली होती हैं ऑटो ट्रांसमिशन में। अच्छा जी, तो अंदर की बात करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है जी, और बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, पावर स्टेयरिंग पावर विंडो में ये गाड़ी। तो इंजन रूम में दिखा दूं मैं आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं ऑनर से मिलके पूरी डिटेल वगैरह क्या है वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूं। रूम खोल दीजिए सर। अच्छा जी, तो रूम से गाड़ी है कुछ इस तरह से, साफ़ सुथरी कंडीशन में, 660 cc इंजन इसके अंदर इंस्टॉल है, और मज़दा की है जी, फिलर के नाम से ये गाड़ी है, और बाकी ऑनर से मिल लेते हैं, इसकी प्राइस वगैरह क्या है वो पूछ लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ पूरी डिटेल वगैरह क्या है वो भी शेयर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या डिमांड कर रहे हैं सर इसकी? इसकी डिमांड 1480 है। 1480 है, इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल है आपकी ये डिमांड? इसमें कोई 5,000 रुपये की कमी पेशी हो जाएगी। 5,000 रुपये सिंधी है वो? जी जी। टैक्स वगैरह क्लियर है? धनजू टैक्स वगैरह क्लियर है, कागजात क्लियर है। कितने ओनर थे आप? फर्स्ट है, सेकंड है? सेकंड ओनर थे हम। बिल्कुल। गाड़ी है? गाड़ी कितने वाली? गाड़ी 48,000 ओरिजिनल वाली गाड़ी है, और
जो इसकी ये ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी 660 सीसी में ये, और प्राइस में भी थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी। भाई का नंबर जो है मैं आप लोगों से शेयर कर, नंबर था शेयर कर जो पाँच 0312 0312 270 270 38 38 53 53। नालो था मुजफ्फर, मुजफ्फर भाई लोकेशन कहाँ था मुझे? मौसमियात थी। ठीक है था, अगर कोई हमको कॉल अच्छे हवाले से तो पाँच हिसाब से गाइड कर जो। ठीक है था, थैंक यू सर, मेहरबानी। मुजफ्फर भाई के पास ही गाड़ी मौजूद होती है, अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। डिटेल वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और गाड़ी जो है बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन से टच है भाई। अच्छा जी, टोयोटा प्रियस 2010-2013 के रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, नंबर सिंध का है। ये गाड़ी जो है पंजाब की, मैं आप लोग बता दूँ गाड़ी पंजाब की। जितने लोग आप पंजाब से देख रहे हैं तो काइंडली आप लोग नोट कर लें कि गाड़ी ये वापसी आप लोग पंजाब में मिलेगी। पंजाब में किस जगह पे है फिर वो भाई के साथ आप लोगों के साथ पूरी जो है ना डिटेल शेयर करवा दूंगा। बाकी टायरों की कंडीशन की बात करें तो तकरीबन के इस गाड़ी की टायर हैं 80% तक गुड कंडीशन में है, और नो डाउट गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में, टोटल जेन्युइन बता रहे हैं। अगर आप लोग गाड़ी परचेस करते हैं तो अपना मैकेनिक ज़रूर लाइए ताकि आप लोग पता चल जाए और गाड़ी किस कंडीशन में, मैकेनिक के साथ विजिट करें गाड़ी और आप लोगों को गाड़ी लेने में आसानी भी हो। बाकी अंदर की कंडीशन क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन, और ये देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी। अच्छा जी, जेपनीज़ गाड़ियाँ होती हैं, और ये जो गाड़ियाँ हैं नो डाउट गाड़ी मशीन से बिल्कुल साफ़ सुथरी, और इसका ये गियर सिस्टम मौजूद है और LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है इसके अंदर। अच्छा जी, तो इसकी लुक चेंज हुई थी 15 का जो रजिस्ट्रेशन में है वो 12 के बाद इसकी लुक वगैरह जो है चेंज हुई है। बाकी रूम क्या है इसका मैं वो आप लोग दिखा देता हूँ। रूम खोल दीजिए ज़रा, दो हज़ार तेरह के रजिस्ट्रेशन में जी। इंजन इसका कितना, 1800 CC में होता है ना सर? 1500 CC में। ठीक है सर, तो ये हाइब्रिड में है ये गाड़ी, 1500 CC इंजन है इस गाड़ी का, टोयोटा प्रियस, और 2010-2013 की रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में है। ठीक है सर, बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इसकी? 21 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जी, पंजाब में कौन सी साइड पे मतलब की गाड़ी मिलेगी, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर आपसे कॉन्टेक्ट करे तो? ये बहावरपुर में गाड़ी ये मिलेगी। ठीक है, जो पंजाब बहावरपुर में गाड़ी मौजूद होगी, और नंबर इसका कराची का है, सिंध नंबर गाड़ी है ये। ठीक है, पेपर वगैरह सब कंप्लीट है इसके? ओके, ठीक है, नंबर शेयर कर दीजिए सर अपना। 345 13 62 463 ठीक है सर जी। क्या नाम है आपका? मुदस्सर हुसैन भाई। तो लोकेशन इसकी जो है बहावलपुर की है पंजाब, और गाड़ी का जो नंबर है वो कराची का है जी। 21 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमी पेशी थोड़ी बहुत